तो आप है स्टूडेंट या कर रहे हैं आप जॉब और आपको चाहिए साइड से पैसिव इनकम यानी थोड़ा सा फाइनेंशियली आप फ्री होना चाहते हैं आपको साइड से और चाहिए एक्स्ट्रा पैसा तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कोई पार्ट टाइम और जॉब करना होगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी कहीं पार्ट टाइम जॉब करना होगा ताकि आप पैसा अर्न कर सकें और मैं आपके लिए अभी लेके आया आऊँ सबसे मतलब बेस्ट वे जिससे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो जी हाँ कुछ लोगों ने तो इसको अपना फुल टाइम मतलब ऑप्शन ही बना लिया मतलब वो कहीं और कुछ करते नहीं बस इसे फुल टाइम करते हैं मैं किसी और की नहीं मैं बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ और ये जो स्ट्रैटेजी मैं बाइनरी ट्रेडिंग पर लाया हूँ इससे आपका इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा इसमें आप हंड्रेड विन करोगे ही अगर आपको भी करना है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न अगर आपको भी होना है फाइनेंशियली फ्री तो ये वाला वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए क्योंकि इसमें आप अगर पूरा सीख गए ना तो आप बाइनरी के बादशाह बन जाओगे तो चलिए ये वाला वीडियो हम इसे शुरू करते हैं तो दोस्तों हम आ गए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे लाइव चार्ट आप देख सकते हैं तो अगर आप बिगनर्स हैं आपको अच्छा खासा बाइनमो का नॉलेज है या आपको कुछ नहीं भी आता है, तो भी आप ये वाली स्ट्रैटेजी पूरा सही से समझ पाएंगे क्योंकि ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ तो हमारा चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कैंडल जी हाँ मैंने चार्ट टाइप जो अपना वो कैंडल सेलेक्ट कर लिया और टाइमिंग हम वन मिनट का ट्रेड लेंगे क्योंकि वन मिनट पर हमारा जो स्ट्रैटेजी और एक्योरेसी और हमारा जो प्राइज एक्शन वगैरह होता है ना वो अच्छे से एनालाइज होता है जी हाँ तो उस बेसिस पर हम यहाँ पर लेंगे तो मैं सबसे पहले यहाँ जोड़ अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ वो टाइम फ्रेम जो रहेगा हमारा वन मिनट अगर ऑटो स्केलिंग ऑन रहेगा तो उसे ऑफ़ कर लीजिए वो क्या होता है ना अगर ऑटो स्केलिंग ऑन रहता है ना तो हम कैंडल जूम इन जूम आउट करते हैं ना तो उससे टाइम फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है जिससे हमें ट्रेड लेने में दिक्कत आती है तो उसे हम सबसे पहले बंद कर लेंगे और हम टाइम फ्रेम जो है एक मिनट का लेंगे और एक मिनट पर एनालाइज करेंगे और यहाँ पर आप देखिए अभी हम अपने मतलब इसमें मोबाइल में तो होता नहीं सपोर्ट मतलब सपोर्ट और असिस्टेंस ड्रा करने का तो यहाँ पर हम खुद से एनालाइज करके ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट देखिए ये हमारा मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस और यहाँ नीचे से देखिए सपोर्ट जा रहा मार्केट और हमारा ये लग रहा है कि अभी जो मार्केट है वो डाउन की तरफ जाए क्योंकि यहाँ हमारा सपोर्ट को टच कर चुका है और इसको जो टच कर चुका है तो इसका मतलब मार्केट या तो हमारा ब्रेकआउट देगा या फिर डाउन की तरफ जाएगा तो इसका अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कौन सा इंडिकेटर मैं आपको बता दूं वो है सी सी आई तो सी सी आई सेलेक्ट कर लेंगे उसका जो पीरियड हम सेवेंटीन कर लेंगे और शो जोन अगर ऑफ होगा तो उसे हम ऑन करके अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा कैंडल है वो इंडिकेटर है वो अप्लाई हो चुका है यहाँ पे सी सी आई दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्योंकि ये देखिए जैसे जैसे कैंडल नीचे गया हुआ यहाँ रेड वाला दिख रहा होगा आपको यहाँ से मार्केट जैसे नीचे गया वैसे ही डॉट 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 यहाँ पे देखिए नीचे बनाता चला गया है ठीक है इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सी सी आई वर्क कैसे करता है क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेंड कैसे एनालाइज कर पाओगे कि हाँ सीसीआई ऐसे वर्क करता है और हम सीसीआई पर कैसे ट्रेड लेंगे तो सबसे पहले चार्ट रहा है। मैं चार्ट फ्रेम उसको बता दू कैसे कैसे ये वर्क करेगा क्योंकि आप यहां देख रहे हैं हंड्रेड और माइनस हंड्रेड के बीच एक लाइन है जो कि ऊपर और नीचे जा रहा है और वो हमारे कैंडल से कैसे रिलेट कर सकता है क्योंकि कैंडल का वो हमको दर्शाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा क्योंकि अभी देख रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट अभी ऊपर की तरफ गया है और मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रहा है एक देखिए यहां पे ये जो कैंडल बना और यहां पे रेड बना है। उसके बाद से मार्केट ऊपर चला गया और यहां पे मैंने जैसा कि कि आपको एनालाइज करके बताया था कि हमारा मार्केट जो अभी डाउन की तरफ जाएगा तो हम उसी का वेट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे देखिए यहां पर हमारा एनालाइज कर रहे हैं और यहां पर हमारा जो रेसिस्टेंस बन रहा था वो ब्रेकआउट का बना है तो हम ब्रेकआउट के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ मैंने किया था तो ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ब्रेकआउट दिया तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे तो मैंने 25 पच्चीस हज़ार का दो ट्रेड ले रखा है जैसे जैसे डीप में गया मैंने वैसे वैसे बाय कर लिया है दो ट्रेड और आप देखिए कि हम कितने अच्छे से विन करेंगे और सी भी जो कह रहा है वो ऊपर की तरफ कह रहा है यहाँ से देखिए एक डॉट बना है उसके बाद जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है लगातार और हमारा जो ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट तो हम ब्रेकआउट पर विन करेंगे अगर ये हो सकता है अगर फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं फॉल्स ब्रेकआउट में भी ये थोड़ा देर तो ऊपर जाएगा और ये थोड़ा देर ही हमें चाहिए क्योंकि हम वन मिनट का ही ट्रेड ले और वन मिनट में हम विन करने ही वाले तो बस हमारा जो बच गया है तीन सेकेंड दो सेकेंड एक सेकेंड एंड बूम दिख रहा होगा आपको हमने यहाँ पे विन कर लिया और यहाँ पे देखिए ग्रीन डॉट शो कर दिया मतलब ब्रेकआउट कंफर्म और 91,000 का हो गया है हमारा प्रॉफिट देख रहे आप मैंने तीन लाख ,00 से मतलब चार लाख ,00 कर लिया मतलब तीन लाख दस हज़ार या बीस हज़ार समथिंग था तो मैंने 91 का प्रॉफिट किया तो हमारा चार लाख सात हज़ार हो गया देख रहे कितने प्यारे तरीके से हमने विन कर लिया है जी हाँ तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए वहाँ मैं फ्री नौ से दस हाई एक्यूरेसी वाले सिग्नल देता हूँ जी हाँ मेरी एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अच्छी रहती है अगर मैं दस ट्रेड देता हूँ तो नौ तो कन्फर्मली विन होते ही होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दस में दस वो भी डायरेक्ट शोर शोट जाता है आप आप फीडबैक देख सकते हैं हमारे वी आई पी मेम्बर्स की वो अच्छा खासा अर्न करें तो आप भी जाइए और ज्वाइन कीजिए तो वापस हम आ गए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको जैसा कि बता रहा था अभी मैं ओ टी सी पर ट्रेड कर रहा हूँ और टी पे हमारा मार्केट में इतना अच्छा एक्यूरेसी है ठीक है तो अभी हमारा मार्केट जो ब्रेकआउट दिया था ब्रेकआउट कंफर्म के लिए तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और मैं बता रहा हूं मैं आपको कैसे क्यों लिया मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड यहां पे मैंने है ना कैंडल पैटर्न एनालाइज किया है आप यहां पर देख सकते हो कि एक रेड यहाँ से आप देखिए एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन और ये दूसरा रेड बनाया तो मैंने एनालाइज करने में थोड़ी तो सी मिसफीलिंग कर दी है तो यहां पे अगर हमारा ये वाला जो रेड कैंडल बनता है तो अगला तो हमारा आपके लिए जाएगा ही जाएगा और अगला हम विन करेंगे ही करेंगे तो हम अगला ट्रेड जो है वो आपके लिए ले लेंगे क्योंकि हमें एनालाइज के मुताबिक मार्केट जो है अभी वो आपकी तरफ ही जाएगा क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक रेड बना एक ग्रीन बना एक रेड बना एक ग्रीन बना उसके हिसाब से अभी ये वाला ट्रेड जो है कैंडल जो है वो ग्रीन बनना चाहिए और ग्रीन अगर बनता है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं तो बस हमें वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद हम ट्रेड लेंगे नहीं तो हम वेट करेंगे और परफेक्ट एंट्री पे ही हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं सी है हमेशा मतलब ग्रेड डॉट बन रहा है सी पे और ऑफ हो रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेयरिश उसे जाने नहीं दे रहा उसको पकड़ के रख रहा है तो अभी ग्रीन डॉट होल्ड कर लिया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमने 25000 का अगर लॉस किया तो वन हम यूज़ करेंगे और हम पचास का अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर वन के मुताबिक हम पचास का अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम ट्रेड प्लेस कर देंगे क्योंकि हमने अगर जो लॉस किया है तो हम जो लॉस किया उसको रिकवर करने के लिए और उसके बाद भी हमको प्रॉफिट करना है तो अगर हम पच्चीस का लॉस किए तो

बात अलग है लेकिन अगर फॉलो किया तो हम हंड्रेड परसेंट चांस है कि हम विन करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप देख रहे जैसा कि मैंने कहा था यहां से आपको दिख रहा होगा कि एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक, रेड, एक ग्रीन इस तरह से करके मार्केट चला और, और ये वाला जो रेड दिया वो बहुत ज़्यादा डीप दिया मैंने बहुत ऊपर बाय कर लिया है जी हाँ लेकिन अगर ये वाला अगला कैंडल जो हमारा ग्रीन देगा तो हम हंड्रेड परसेंट विन करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत ऊपर ट्रेड ले लिया हमें थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था थोड़ा सा पेशेंस करना चाहिए था इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप जो ट्रेडिंग लेना तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ लास्ट पाँच या छः सेकंड में ले तो मैंने वहाँ पर अपना लॉस रिकवर करने के लिए नीचे में एक लाख ट्रेड प्लेस कर दिया क्योंकि अगर ऊपर वाला पचास हजार का लॉस होता तो लाख का ले लेंगे ताकि मेरा वो पिछला वाला जो पच्चीस हजार का लॉस था वो भी रिकवर हो और पचास हजार का, मतलब का मुझे ट्रेड लेना चाहिए तो, तो, तो हम इंड ऑफ ऑल अस्सी हजार के प्रॉफिट में रहेंगे जी हाँ तो मैंने उस हिसाब से एक बार और एक्स्ट्रा एड करके यूज कर लिया क्योंकि मैंने एक जो ट्रेड है वो लीड कर लिया और ऊपर की तरफ ले लिया बहुत ऊपर क्योंकि हमारा ये वाला कैंडल तो में क्लोज करेगा ही करेगा ये हंड्रेड परसेंट श्योर है तो मैंने उसी बेसिस पे नीचे एक लाख का ट्रेड प्लेस कर दिया ताकि मेरा ये वाला लॉस और पिछला कैंडल का जो लॉस है वो रिकवर हो जाए तो बस आप देखते रहिए कि हम कैसे विन करते हैं और हमारे यहाँ देखिए दो लाख बत्तीस हज़ार है वो कैसे आपको चार साढ़े चार लाख प्लस दिखने वाला है जी हाँ मैं आपके सामने डेढ़ लाख का प्रॉफिट करके देखाऊँगा कितने अच्छे एनालिसिस के साथ यहाँ देख सकते हैं बूम मैं विन कर चुका हूँ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वन प्रॉफिट और मेरा अकाउंट में देखिए चार आ गया मैंने चार लाख का ट्रेड लिया था तो चार लाख मैंने फर्स्ट ट्रेड में किया था और लॉस करके मैंने कम कर लिया था लेकिन मैंने वापस उसे रिकवर कर लिया और चार लाख से चार लाख पंद्रह हज़ार कर लिया मतलब मैं अभी भी पंद्रह एक लाख पंद्रह हज़ार के प्रॉफिट में हूँ तो मैं आपको कम से कम बीस तीस हजार का और प्रॉफिट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये कुर्सी कितनी अच्छी है और इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के बाद आप कितना तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो तो जिस हिसाब से हमारा ये रेड कैंडल बनाया और उसके बाद एक रिवर्सल ग्रीन लिया यहाँ पे तो हमें लग रहा कि ये ट्रेंड ब्रेकआउट है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मुझे जैसा लग रहा था कि ये जो कैंडल पैटर्न है उसे ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ जाएगा अगर ये वाला कैंडल अगर ग्रीन में ख़त्म होता है ना तो हमारा थ्री स्टेप सोल्जर काम आएगा मतलब अगर ये दो रेड कैंडल जो है ना वो मतलब अगर ये वाला जो कैंडल है रेड जो ग्रीन में बन जाएगा तो हमारा चार्ट पैटर्न टूट जाएगा और चार्ट पैटर्न जैसे टूटेगा ना तो चार्ट पैटर्न टूटने के बाद ना थ्री स्टेप सोल्जर बनेगा मतलब अगर ये दो ग्रीन बन तो अगला तीसरा वो ग्रीन बनेगा ही जैसे कि देख रहे आप यहाँ दो ग्रीन बना ना तो अगला तीसरा है ग्रीन बनेगा तो इसी बेसिस पर मैंने ट्रेड ले रखा था मैंने एनालाइज कर रखा था कि अगर ये ब्रेकआउट देता है क्योंकि जिस हिसाब से छोटा छोटा कैंडल बना था एक बड़ा रेड कैंडल दे दिया और उसके बाद एक छोटा रिवर्सल ग्रीन कैंडल दे दिया तो आप अगर कैंडल पैटर्न की साइकोलॉजी पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा मैं कैंडल पैटर्न के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशली ताकि आप समझ पाए कि ये कैंडल पैटर्न होता क्या है लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो बड़ा सा एक रेड दिया उसके बाद एक छोटा रिवर्सल ग्रीन दिया है इसका मतलब जो जो भी ट्रेंड होता है ना उसका वो ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे सी भी देखिए कब बना है मतलब रिवर्सल मतलब सीधा स्विंग करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मतलब ऊपर से एक बैग नीचे आया है और डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने एक पचास का ट्रेड इसमें प्लेस कर दिया और ऊपर और के ऊपर जाएगा तो मैंने अगले मिनट पर भी एक और पचास का ट्रेड प्लेस कर दिया तो ये वाला पचास हम विन करेंगे उसके बाद फिर हम अगला वाला ही पचास विन करेंगे ही करेंगे क्योंकि अब ये कप ट्रेड बना दिया है सी और सी के मुताबिक हम विन करेंगे तो बस तीन दो एक एंड बूम दिख रहा होगा आपको हमने विन कर लिया ये वाला ट्रेड दिख रहा होगा आपको और ये वाला भी हम ट्रेड विन करेंगे क्योंकि सी भी कह रहा है कि अब मार्केट जो है वो बूम करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा और थ्री स्टेप सोल्जर हमारा कंप्लीट हो गया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थ्री स्टेप सोल्जर ये वाला जो हमारा कंप्लीट हो गया और मार्केट जो है वो बूम करेगा ऊपर की तरफ और हम ट्रेड कितना तगड़ा विन करने वाले हैं जी हाँ देख लीजिए मार्केट बेरिश खींच रहा नीचे तक लेकिन हमारा जहाँ पर ट्रेड लिया गया वो है परफेक्ट प्लेसिंग वहाँ तक आने का तो सवाल ही नहीं उठता उतना नीचे मार्केट जाएगा ही नहीं तो हम विन करेंगे अगर ये रेड में भी क्लोज करेगा ना तो हम लॉस नहीं करने वाले हम डायरेक्ट विन करेंगे लॉस का सवाल तो होगा ही नहीं तो हमारी एक्यूरेसी हो गई अभी हंड्रेड परसेंट नाइनटी एटी सेवेंटी नहीं सीधा हंड्रेड परसेंट अभी हमारी एक्यूरेसी क्योंकि हम विन करेंगे और अब देख सकते हैं ग्रीन में ही जा रहा और मार्केट बूम करेगा ही करेगा और सी भी देखिए हंड्रेड को टच करने वाला है और हंड्रेड को टच कर रहा और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बस यहाँ पर हमारा बच गया तीन सेकेंड दो सेकेंड एक सेकेंड एंड बूम दिख रहा है आपको मैंने यहाँ पे पाँच लाख कर लिया लाख से पांच लाख लगभग मैंने दो लाख का प्रॉफिट कर लिया है। आई होप आप लोगों को यह स्ट्रेटेजी पसंद आया होगा अगर ऐसे यह और भी जानना है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो